आज हम प्रीमियम प्रो पे आपको लेके चलने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि DJI का एक्शन प्रो 5 जो कैमरा है उसमें MP4 फाइल बनती है और एक प्रॉक्सी फाइल बनती है और एक ऑडियो बनता है MP3 में और एक MP4 में और एक बनता है RLJ फाइल बनती है, उसको हम MP4 में आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से हमको कैमरा जो एक्शन कैमरा है उसकी फाइल को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे, यही सब हम जानेंगे। और जो उसमें प्रॉक्सी फाइल बनती है उससे हम किस प्रकार का अपना आउटपुट है जो 4K में निकालेंगे, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, कमलेश दुबे, आज हम आपको लेके चलते हैं प्रीमियम प्रो पे किस प्रकार से हम 4K में रेंडर करते हैं एक्शन कैमरा जो है हमारा। तो अब हम अपने स्क्रीन में चलते हैं जो कि अंदर की ओर चलना पड़ेगा, तो चलें। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं जो DJI का एक्शन प्रो 5 है उसमें हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को, जब हम उसको कंप्यूटर में लाते हैं तो अगर हमारा कंप्यूटर यानी वीडियो को बफरिंग करता है यानी सही से काम नहीं करने देता है तो हमको एक इसी में फाइल बनती है जो कि है LRF के नाम से वो फाइल सेव हो जाती है। अगर उस वीडियो उस फाइल में हम प्रॉक्सी फाइल है उस फाइल में अगर हम काम करते हैं तो हमारा लो बजट का जो कंप्यूटर है वो भी मक्खन के समान काम करेगा। अब वो फाइल से हमको जो ओरिजिनल हमारा 4K में हमने रिकॉर्ड करे हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको स्क्रीन की ओर ला लिए हैं, स्क्रीन में आप देखते हैं। सबसे पहले हमको डाटा केबल कैमरे से लगाकर और वो फाइल को हमको कन्वर्ट करना है। अब डाटा केबल मेरे पास, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये एक डाटा केबल है। सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है, वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं हर एक चीज़ आपको बताते चल रहा। ये एक दूसरा डाटा केबल है, ये भी कम से कम 150 रुपये का लाया हूँ और ये भी 70-80 रुपये के आसपास का है। ऐसे हमारे पास में 3-4 केबल हैं तो ये हमको कनेक्ट नहीं होता है उसमें। अब आपको मैं बताता हूँ, डाटा केबल आपके कैमरे के साथ में जो आया होगा डाटा केबल, ये ऐसा छोटा से आया होगा, वो कनेक्ट से उससे वीडियो जो ट्रांसफ़र फाइल है वो अच्छा कनेक्ट तो हो जाएगा, आपका कैमरा दिखाएगा भी कि कनेक्ट हो चुका है मगर वो कनेक्ट नहीं होता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये जो बाज़ार से हमने ख़रीदे हैं डाटा केबल, USB केबल है, OTG कहा जाता है, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, मगर ये कनेक्ट दिखाता है, चार्जिंग भी दिखाता है और थोड़ा धीमे स्लो इसमें फाइल भी टाइम, मगर जब हम कोई काम करते हैं तो ये कनेक्ट नहीं होता कंप्यूटर से। तो हमें शक होता है कि हमारे कंप्यूटर में फॉल्ट है या हमारे कैमरे में फॉल्ट है या वायर में फॉल्ट है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब मैंने चेक कर चुका हूँ और 3-4 हैं उनको सबको लगाने के बाद में, मगर सबसे ये इसमें ये छोटा सा केबल आता था तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को, इसलिए मैं इसको नहीं ट्राई कर रहा था। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो केबल छोटा होने के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाता है इसलिए। तो ये अभी मैं ऐसे ही छोटे केबल से ही जो इसके साथ में आया हुआ है और ये भी कनेक्ट होता है, ये माइक के साथ में आया है ये केबल, तो ये भी कनेक्ट होता है, ये भी DJI का माइक है, तो यानी ये केबल स्ट्रांग है और इसमें हम कंप्यूटर से वेब कैमरा भी कनेक्ट करते हैं तो वो भी कनेक्ट हो जाता है। ऐसी दिक्कतें जो छोटी मोटी आती, कनेक्ट तो दिखाता है मगर उसमें फाइल ट्रांसफ़र जल्दी नहीं हो पाती, तो ये बेस्ट केबल है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। अब हम स्क्रीन में आपको दिखाते हैं, ये जो फाइल है हमारी LRF वाली, ये जो फाइल है, छोटा से वीडियो है, मैं आपको ज़्यादा बड़ा ना बताते हुए, अगर ऐसे ही फाइल है बहुत सारी है 10-12 है तो इस पर हम कैसे करेंगे। एक रास्ता तो ये है कि यहाँ पर हम MP4 लिख के MP4 ये देखिए ये कनेक्ट कन्वर्ट हो गई, यस या नो बार, ठीक है, ये देखिए हो गई कन्वर्ट। अब ये ऐसी बहुत सारी है तो हमें क्या करना है, अभी मेरे पास में है नहीं, ये ऐसे एक फोल्डर बना लिए, ये फोल्डर है, इसमें हम वो फाइल को बना डाल देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि हमको पता रहे। तो ये ऐसे प्रॉक्सी LRF के नाम से बना लीजिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हम, ये अलग आ गई फाइल।
अगर ऐसे भी फाइल है तो एक एक को नहीं करना है उसको, आप उसके भी आप कमेंट करिए, हम उसको भी बता देंगे कि एक साथ आपके पास में प्रॉक्सी फाइल 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है, तो उनको किस प्रकार एक साथ कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैं लिंक दे दिया हूँ, उसको आप डाउनलोड करके कर सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। ये है उसका नाम, किस प्रकार इसमें होता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। अभी एक छोटा सा वीडियो है मैं आपको, तो सबसे हम चलते हैं अपने प्रीमियम प्रो पर, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये करना है। तो सबसे पहले हमको इनको सबको हम हटा देते हैं। सबसे पहले हमको वो फाइल को यहाँ पर लाना है, तो क्या करेंगे हम, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हैं। मैं अभी 01 कर देता हूँ और यहाँ ये फोल्डर खुल चुका है जो कि बीन के नाम से है, 01 के नाम से क्रिएट कर चुके हैं हमने। अब इसके बाद में क्या करना है, हमको इंपोर्ट करना है जो फाइल ओरिजिनल है 4K में, जो 60 FPPS में हमने रिकॉर्ड करे हैं, वो फाइल को प्रॉक्सी इसमें करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमारे पास में कैमरा हमको प्रॉक्सी फाइल एक बना के देता है, वो फाइल का यूज करके हम वीडियो को अच्छे से कट पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी चाहे, तो हम वो फाइल को यहाँ पर लाएंगे पहले। तो अभी हम चलते हैं, तो हम ये ओरिजिनल वाले वीडियो को यहाँ पर ला लेते हैं। ये हमारा वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब आने के बाद में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप छोटा से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ अभी आपको कुछ नहीं दिखाई क्योंकि अभी प्रॉक्सी ये होने का है। अब किस प्रकार से करना मैं आपको बताता हूँ। तो इसी में हमको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में हमको प्रॉक्सी जहाँ पर भी लिखा ये लिखा हुआ है प्रॉक्सी, यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद में नीचे वाले ऑप्शन में क्रिएट प्रॉक्सी में नहीं, नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहां से हमको पिक कर देना है। ये देखिए अभी भी यहां देखिए कुछ नहीं हुआ। अब ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा यहां पर प्रॉक्सी हो चुका है, जिसका कि सिंबल आ चुका है यहां पर। अब ये फाइल को हमको, ये फाइल को हमने यहां पर ले लिए। ये देखिए यहां पर भी एक आइकन आपको दिख रहा होगा, को बड़ा कर लेता हूं। ये यहाँ पर आइकन दिख रहा है, ये है, इसको बंद करेंगे तो ये देखिए कलर यहाँ पर, ये प्रॉक्सी हो चुका है। अब यहाँ से हम वीडियो भी प्ले अच्छे से आराम से प्ले हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत समस्या हो रही थी क्योंकि 60 FPPS में, ये मोबाइल में तो 30 FPPS है मेरे, इसमें 60 FPPS में, और फाइल जब बड़ी बड़ी हो जाती थी तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने ये जो अपना फाइल है LRF, उसको किस प्रकार से MP4 में कन्वर्ट करना है और किस प्रकार से यहाँ पर हमको ये फाइल को एडिट करना है। तो ये आप देख रहे हैं वीडियो एक छोटा सा आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए ये वीडियो है। LRF जो फाइल है उसको हम MP4 में कन्वर्ट करके और प्रॉक्सी को कैसे यूज कर सकते हैं, और जो हमारी मेन फाइल रहती है 4K में, उसको हम किस प्रकार से इस वीडियो में कनेक्ट कर सकते हैं, वही बताने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब लाइक करें। इसी प्रकार के हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, इसमें और भी जो भी DJI से संबंधित समस्या आती है हमें या आपको, तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय सीताराम।